हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, जो शिक्षा सेवा आयोग में जो गतिविधि चल रही है अभी प्रेजेंट में, आज मैं उनसे भी बात करने वाला हूँ। आपके टीजीटी पीजीटी नई भर्ती संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, बीते समय आपको पता होगा कि शिक्षा सेवा आयोग में सदस्य की नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उप सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है कि चार उप सचिव की जो नियुक्ति के फॉर्म है ना, वो भरने शुरू हो गए हैं और 21 दिनों के अंदर ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। वो लगभग जून के लास्ट में जुलाई तक आपका जो है, आपको शिक्षा सेवा आयोग के सचिव मिल जाएंगे। अर्थात 21 दिनों के बाद आपको उप सचिव देखने को मिल जाएंगे शिक्षा सेवा आयोग में। उसके बाद ही जो एग्जाम है, जो भर्तियां हैं, उनको कराने की पूरी पूरी कवायद शुरू हो जाएगी। रही बात परीक्षा कंट्रोलर की, उसकी अभी नियुक्ति खाली पड़ी है। वो भी बहुत जल्द ही इसमें शिक्षा सेवा आयोग द्वारा उसके फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और हो सकता है कि 5 दिन 10 दिनों के अंदर अंदर उसकी भी नियुक्ति ये करा ले। ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उप सचिव की। तो उप सचिव की जो नियुक्ति शुरू हो गई है, मतलब फॉर्म जो भरे शुरू हो गए हैं, वो 21 दिन का समय लग सकता है। आप विश्वास मानिए कि 21 दिन के बाद जो है, आपके उप सचिव मिल जाएंगे। चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी अर्थात यूपी के सीएम मुख्यमंत्री जो है आपके योगी आदित्यनाथ, बहुत ही एक्टिव में है। वे शिक्षा सेवा आयोग में या अन्य विभागों में बहुत ज्यादा बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से बीजेपी के चुनाव होने वाले हैं। आने वाले समय में फिर से चुनाव होंगे, लगभग 1 साल का समय बचा शेष, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री के चुनाव है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का हमें फिर से क्षति पहुंचे, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हारने का सबसे बड़ा मुद्दा था, जो जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी बेरोजगारी। युवा चाहते थे हमें रोजगार दो, लेकिन रोजगार पर कोई काम ही नहीं कर रहा था। तो इसी को देखते हुए हमारे यूपी में भी बीजेपी की सरकार की सीटें बहुत ही कम आई, लगभग हार ही गए हैं। तो आने वाले टाइम में ये नहीं चाहेंगे कि हम पे किसी प्रकार की क्षति क्षति हो। तो इस प्रकार योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा एक्टिव में है, और बीच में और जो अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई है कि भाई काम को नहीं कर रहे हो। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द ही शिक्षकों की नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो 80,000 सीटें बताई जा रही हैं, जो 80,000 भर्तियां आने वाली हैं, ऐसी न्यूज वायरल हो रही है। देखिए भाई, ऐसी न्यूज कोई निकल के नहीं आई है, ये सब फर्जीवाड़ा है, तो इनके चक्कर में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में फिर से भर्तियां होंगी। लेकिन उससे पहले जो लंबित भर्तियां हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, पहले उनका एग्जाम कराया जाएगा और उसके बाद ही नया विज्ञापन जारी कराया जाएगा। इसी बीच एक न्यूज निकल कर और आई थी कि योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में पदों का ब्यौरा मांगा था, लेकिन आयोग ने क्या किया, जो अधिकारी लोगों ने क्या किया, जो पुराना डेटा था 2022 का, वही वहां सौंप दिया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जिस जांच पड़ताल करी, उन्हें पता चला कि ये रिपोर्ट है वो गलत है, तो उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई है और फिर से नए सिरे से आदेश मांगने की बात की है। तो आने वाले टाइम में आपको अभी टीजीटी और पीजीटी की जो भर्तियां हैं देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।